नामांकन फॉर्म जमा किया गया। मैं गिरीश देवांगन, दलेश्वर साहू, भोला साहू और हर्षिता बघेल, इन्होंने नामांकन भरा और इसमें विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक भाई जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महन जी, तमाम सत्यनारायण शर्मा जी सहित सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के सभी विधानसभा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जन यहाँ एकत्रित हुए और बड़ा बहुत ही उत्साह है आम जनता में, क्योंकि रमन सिंह के कारगुजारियों को सब जानते हैं, उसको तो उन्होंने नकार दिया। अब एक सीट बची है राजनांदगांव के और रमन सिंह के, इस समय वो भी सीट जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से। हेमंत विश्वा ने आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ सरकार दारू की सरकार है। हेमंत विश्वा जी पहले अपने कारनामे के बारे में बता ले, उन्होंने जो काम किया है मैं कल पूरे प्रमाण के साथ उसे बात रखूंगा मैं पत्रकारों की। दावेदारी सब करते हैं लेकिन हाई कमान जो फैसला करता सबको सिरोधार्य है। दाऊजी राहुल गांधी जी ने आज 32,000 करोड़ का आरोप अडानी जी के ऊपर लगाया। बिल्कुल सही बात है, पूरे देश को अडानी जो खदान है वो अडानी जा रहा है, एयरपोर्ट है अडानी जा रहा है, जो शिप यार्ड है वो अडानी जा रहा है, रेलवे स्टेशन वो अडानी जा रहा है, बचा क्या है फैक्ट्रियां सब अडानी जा रहा है। ऐसा क्या है सब चीज अडानी के हाथ में जा रहा है। यहाँ भी ये जो उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं तो रमन सिंह ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके कार्यकाल में लोहा का खदान अडानी गया, कोयला खदान अडानी गया, अभी तो ACCL के खदान को भी अडानी को दे दिए। तो यदि गांधी जी यदि ये बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आखिर जब देश में कोयला है तो फिर विदेश से क्यों और उसे बाध्य क्यों कर रहे हैं? आज यदि बिजली बिल महंगा हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि 4,000 का कोयला 12,000 और 15,000 रुपया टन में खरीद रहे हैं तो 3 गुना ज़्यादा होगा तो बढ़ेगा। और इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में हमने कह दिया हम बाहर के विदेशी कोयला हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ का नहीं बढ़ा। लेकिन NTPC जो भारत सरकार के उपक्रम है उसको बाध्य किया गया और उसके कारण से बिजली बिल आज महंगा हुआ है। तो ये अडानी के महंगा कोयला खरीदने कारण से ही छत्तीसगढ़ में बिजली जो बढ़ी है वो जो लारा और NTPC के जो सिपत के जो पावर प्लांट है महंगा कोयला खरीदते हैं, इसका से बिजली बिल बढ़ा है। रमन सिंह ने कहा है कि बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ रहा है, राजनांदगांव प्रत्याशी नहीं बात कर रहे। ठाठापुर राजनांदगांव जिला में है कि कवर्धा जिला में है? अब प्रतापगढ़िया कौन है? तो ऐसा है यदि एक उंगली किसी के सामने दिखाओ ना 3 उंगली खुद के तरफ होती है। मैं नहीं कहना चाहता वो प्रतापगढ़िया है, मैं नहीं कहना चाहता वो ठाठापुर से यहाँ आया है। यदि गिरीश देवांगन जी को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है, रमन सिंह जी खुद कवर्धा क्यों नहीं लड़े चुनाव? कभी डोंगर गाँव जाते हैं, कभी नांद गाँव आते हैं। हाँ वो अमित शाह जिस दिन आते हैं ना ईडी आते हैं 19 तारीख आने वाले हैं अमित शाह, फिर देख लेना कल परसों फिर ईडी छापा पड़ने वाला है। उसके स्वागत में बाबूला आजा जो होता है ना उसी प्रकार से बिल्कुल अमित शाह आने के पहले ईडी आईटी आ जाते हैं। सभी सीट हम जीतेंगे। 17 तारीख वाला डेट बदलने जा रही है क्या? निर्वाचन आयोग का काम है वो, हमारा काम नहीं है।